माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल के बारे में। और आज का ये जो वीडियो है ये यूपी बार काउंसिल से जो भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं आपके लिए उसके बारे में है कि इस फॉर्म को हम कैसे प्राप्त करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे, चूँकि इन फॉर्म्स को भरना कैसे है मैंने आपको सारे फॉर्म्स के बारे में बता दिया है। आप वीडियोज़ के लिस्ट में जा कर के इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपको जो है वेरिफिकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। लगभग हर एक फॉर्म के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो वहां पर आप जाकर इन सब फॉर्म्स को भरने का जो तरीका होता है उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इन फॉर्म्स को हम भरेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि इन फॉर्म्स को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से हमको मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, कोई लिंक बता दीजिए, डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इसलिए इस आज के जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं फॉर्म्स को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं या चैनल पे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी शेयर करिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो लॉ से संबंधित फील्ड में वर्क करते हैं, एडवोकेट्स हैं, एलएलबी कर रहे हैं या जिन्हें विधि की जानकारी होनी चाहिए, जो विधि की जानकारी के संबंध में बातें करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यूपी बार काउंसिल से इस फॉर्म को हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किसी ब्राउज़र में, यहाँ पे मैं जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो जो भी ब्राउज़र आपके मोबाइल में है उस ब्राउज़र से जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो है इस फॉर्म को हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको यूपी बार काउंसिल टाइप करना है, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी टाइप है यूपी बार काउंसिल। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप पे, यहाँ पे जैसे यूपी बार काउंसिल आप टाइप करेंगे तो सबसे टॉप पर यूपी बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब इस वेबसाइट पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पे। अब ये जो है यूपी बार काउंसिल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस फॉर्म के राइट साइड में, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म। अब डाउनलोड फॉर्म में आप देखिए कौन कौन से यहाँ पर फॉर्म है, तो यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, डुप्लिकेट आई कार्ड फॉर्म है, बार एसोसिएशन एफिलिएशन फॉर्म है, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर्म है, ओल्ड एज डेथ फॉर्म है, डेथ क्लेम फॉर्म है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर्म है। उसके बाद से जो स्टाइपेंड मैंने आपको बताया था कि 5000 रुपये मिलेगा उससे संबंध में ये जो फॉर्म है स्टाइपेंड वाला वो है, स्टाइपेंड लिस्ट है यानी किन किन लोगों को जो है स्टाइपेंड मिला है 5000 रुपये मिला है, ये उस यहाँ पे वो लिस्ट भी यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए आप राइट के बाद से लेफ्ट साइड में देख लीजिए। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कैटगरीज लिखा हुआ है, कैटगरीज में देखेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म है, रूल 14 डिटेल्स में दिया हुआ है कि रूल 40 क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस फॉर्म है, लिस्ट है बार एसोसिएशन का, न्यासी समिति सदस्यता फॉर्म है, सिक्योरिटी फंड फॉर्म है, री एडमिशन फॉर्म है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिन्यूअल रूल्स 2014 यह है और यहाँ पे वेरिफिकेशन फॉर्म है। तो आपको बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में आपके डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म दिए हुए हैं। यहाँ से आप जो है जो भी फॉर्म्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं
और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ सीनियर एडवोकेट, तो सीनियर एडवोकेट्स की यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। अगर मेंबर के लिस्ट को डाउनलोड करना है, देखना है कौन कौन से मेंबर हैं बार काउंसिल में, तो यहाँ पे मेंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मेंबर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे ओल्ड मेंबर्स की जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद से अगर आपको यूपी बार काउंसिल का जो वेबसाइट है, जो लैंडलाइन नंबर है, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है, तो यहाँ कांटेक्ट अस पे क्लिक करके जो है उनका जो है ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं, उनके लैंडलाइन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यूपी बार काउंसिल के बारे में जानना है तो अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो यूपी बार काउंसिल के बारे में डिटेल में जो है सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से जो है यूपी बार काउंसिल के डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्म हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी आपको डाउनलोड करने में, मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके को आपको फॉलो करना है, और सिंपली जो बार काउंसिल के जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म हैं उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आपको जो है यूपी बार काउंसिल के जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से यूपी बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। तो सिंपल तरीका है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके को फॉलो करना है, और जो भी फॉर्म्स आपको डाउनलोड करना है, चाहे वो वेरिफिकेशन फॉर्म हो, चाहे वो डुप्लीकेट आईडी कार्ड फॉर्म हो, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, मेडिकल क्लेम फॉर्म हो, रूल 14 से संबंधित जो नियम हो उसका फॉर्म हो, डिक्लेरेशन फॉर्म हो, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर्म हो, ओल्ड एज डेथ क्लेम फॉर्म हो, जो भी फॉर्म जिस तरीके के फॉर्म्स को आपको डाउनलोड करना है यूपी बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है, किस तरीके से आपको वेबसाइट ओपन करना है, किस पे क्लिक करना है, किधर जाना है, कहाँ क्लिक करना है, और किस तरीके से फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आप जो है जिस भी फॉर्म को डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मैंने जो भी जानकारी आपको दी है आपको समझ में आ गई होगी, आप अब आसानी से फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको फिर भी इसमें दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, तो आप उन समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्म डाउनलोड करना है। तो वीडियो को अब एंड करते हैं, एंड करते वक्त एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करिए, प्रमोट करिए, ताकि जो भी जेन्युइन लोग हैं उन लोगों तक ये चैनल पहुंच सके और इससे वो फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।